गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरीके से अपने पोर्स को टाइटन कर सकते हैं। पोर की प्रॉब्लम अगर आपको है या फिर स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तो उसे आप किस तरीके से घर पर इजी एंड इफेक्टिव तरीके से उसे रिमूव कर सकते हैं और एक क्लियर स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। सो मैंने काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड फाइनली मैं आज इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हाँ वीडियो को पूरा देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस पोर्स क्यों होते हैं और पोर्स होने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये तो शायद आप सब लोग जानते ही हैं। पोर्स जितनी ज्यादा होंगे आपके फेस पर उतनी ही ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होते हैं जिसकी वजह से स्किन ऑयली लगती है, स्किन में एक्ने और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। सो पोर्स को टाइटन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो भी अगर आपकी ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो मेकअप ठीक से नहीं अप्लाई होती है। सो एक क्लियर स्पॉटलेस स्किन पाने के लिए पोर्स को टाइटन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव ट्राइड दिस प्रोडक्ट, ये है नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल और बेसिकली मेरी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है लेकिन फिर भी मैं ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करती थी बट स्टिल मैंने इस प्रोडक्ट को देखा और मैंने काफी सारे रिसर्च के बाद मुझे लगा इसे मुझे ट्राई करना है और जो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो फिर काफी ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों की। तो मैंने इसे ट्राई किया है काफी दिनों से और मेरी जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये एक इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है और इसको ओपन करने पर आपको अंदर एक इस तरीके का ट्रैवल फ्रेंडली छोटा सा बॉटल मिलता है और ये है नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। लेकिन ये आप सिर्फ और सिर्फ फेस पर ही नहीं, द बेस्ट पार्ट इज कि ये आप अपने हाथों पर, बेली पर, जहां पर आपको पोर या स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है आप उन इफेक्टेड एरियाज पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी वजह से मुझे लगा इसे ट्राई जरूर करना है क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ पोर से ही सोल्यूशन नहीं, स्ट्रेच मार्क्स जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फेस करते हैं उससे भी हमें छुटकारा देता है। सो ये जो बॉटल है ये आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा मिनिमल इसकी पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग है, जितना जरूरी है उतना ही है एंड सारे इंस्ट्रक्शंस बॉटल में भी और कार्डबोर्ड केस में भी दिया गया है। एट द सेम टाइम एक इस तरीके का एक पेपर इसके साथ आपको एक डायरेक्शंस भी मिलेगा जहां पर सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। सो एक्चुअली ये जो ऑयल है ना ये 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट है मोरिंगा ओलिफेरा का। सो मोरिंगा ट्री अगर आपको नहीं पता तो मोरिंगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोरिंगा ट्री को ड्रमस्टिक ट्री भी या मिराकल ट्री भी बोला जाता है और मोरिंगा के एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी डिप्रेसरी प्रॉपर्टीज है तो सदियों से इसे इस्तेमाल किया जाता है इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इतने सारे प्रॉपर्टीज की वजह से। और मोरिंगा में ना कई सारे विटामिन एंड प्रोटीन्स मिलते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है ये। तो ये आप एक्सटर्नली, ये जो ऑयल है ये आप एक्सटर्नली ही सिर्फ इस्तेमाल करें, इसे आप इंटरनली इस्तेमाल या कंज्यूम ना करें, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है और आप इसे अपने इंटीमेट एरियाज पर नहीं लगा सकते। बाकी आप जहां पर चाहते हैं आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने अगर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेच मार्क्स पर भी। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद आप लोग स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा फेस करते हैं, फिर ओपन पोर की प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उस दौरान ना आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने प्रेगनेंसी में भी आप इस ऑयल को हल्का सा अपने बेली एरिया पर, अपने जहां पर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो आप अपने क्लीन फेस पर इसे जस्ट 1 या 2 ड्रॉप्स मैक्स टू मैक्स चाहिए, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है ये तो समर्स में आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 1 to 2 ड्रॉप्स आप जस्ट लीजिए और अपने क्लीन फेस पर इसे थोड़ा सा टैप कीजिए, डैप कीजिए और ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है लाइट वेट होने की वजह से। और फिर आप कोई मॉइस्चराइजर चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जस्ट 1 ड्रॉप, बहुत ही कम ड्रॉप इसका लीजिए और उसे डैप कीजिए अपने फेस पर, तो देखेंगे आपकी रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं ना
तो काफी ज्यादा आपको नजर आएगा रिजल्ट। तो ऑयली स्किन के लिए आप सिर्फ रात को सोने से पहले क्लीन फेस पर 1 ड्रॉप इसका लीजिए और अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, डे टाइम में और नाइट टाइम में, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल सनस्क्रीन के भी बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे लगाकर बाहर भी जा सकते हैं। और इसके अंदर प्योर एंड 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से अगर आपके स्किन में कोई इश्यूज है जैसे एक्ने या पिंपल की इशू, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑलवेज पैच टेस्ट इज रिकमेंडेड। पैच टेस्ट जरूर करें क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कभी कभार आपके स्किन में रिएक्ट भी कर सकती हैं। तो अगर आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह है तो आप इसे डाइल्यूट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसे वाटर के साथ थोड़ा सा 1 ड्रॉप मिक्स कीजिए और फिर उसे अपने हैंड पर अच्छे से रब कीजिए और फिर अपने फेस पर या इफेक्टेड एरिया पर जस्ट डैब कीजिए और मसाज भी कर सकते हैं। जैसे मेरी स्किन में ना कई बार स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, मैंने काफी हद तक अपना वेट लूज किया था जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है मुझे। मुझे ओपन पोर की उतना हद तक प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं इसे अपने फेस पर इस्तेमाल करती हूँ। फेस काफी ज्यादा स्मूथ मुझे फील होती है आजकल, और अपने जहां पर मुझे स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है मैं उसे उस एरिया पर अप्लाई करती हूँ। मेरी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, मेरी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो मैं इसे 2 ड्रॉप्स तो ले ही लेती हूँ और फिर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ अपने अफेक्टेड एरिया पर, तो मुझे तो कुछ चिपचिपाहट नहीं महसूस होती। काफी ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से इजिली ये अब्सॉर्ब हो जाता है। और चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस ऑयल के बेनिफिट्स अगर हम लोग देखें तो ये आपके पोर को ना अनक्लॉग करता है और एनलार्ज पोर को फिल करता है, स्ट्रेच मार्क्स को हील करता है, फाइन लाइंस को नेचुरली हील करता है, और एक अमेजिंग मॉइस्चराइजर है क्योंकि ये आपके स्किन को डीपली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इलास्टिन और कोलाजन लॉस को प्रिवेंट करता है और स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। इनफैक्ट ये केराटिन को नेचुरली बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये नेचुरल सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है। ये रिंकल्स और साइंस ऑफ एजिंग से फाइट करता है, एज स्पॉट डार्क स्पॉट को फेड करता है, ब्लैक हेड्स है तो ब्लैक हेड्स को ना काफी ज्यादा ये सॉफ्ट बना देता है जिसकी वजह से इजीली ब्लैक हेड्स रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल है तो आप रेगुलर बेसिस पर इसे इस्तेमाल करने से वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मोरिंगा के ना काफी सारे बेनिफिट्स हैं, मैं बोलकर भी खत्म नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे हेल्थ एंड स्किन एंड हेयर बेनिफिट्स हैं मोरिंगा ऑयल के। इनफैक्ट इसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन डैमेज को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन डैमेज को, इनफैक्ट ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारे स्किन को। मैं तो इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम रिड्यूस करनी है, काफी हद तक फेड भी हो गई है मेरी स्ट्रेच मार्क्स की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर हैंड्स के चारों, और इसलिए मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है जो कि अभी काफी हद तक रिड्यूस भी हो चुकी है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। हाँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये आपके सिर्फ फेस के प्रॉब्लम को ही नहीं ठीक करता, ये स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और इसका प्राइस है 1379, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और काफी मल्टीटास्किंग है ये, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है और पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और उनके वेबसाइट पर, नेचर श्योर के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जितने भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, ओपन पोर की प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं एंड जनरली मुझे इससे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, इसीलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। और अगर आपके और भी ज्यादा ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई करने से पहले अपने क्लीन फेस पर आप थोड़ा सा आइस रब कर सकते हैं, उसके बाद फेस को टॉवल ड्राई करने के बाद आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी काफी ज्यादा आपको रिजल्ट नजर आएगा। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो पसंद आए, वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।